बीजान बहुत उदास है इस खबर को लेके। गया था उनके कमरे में, सो रही थी, इंतजार कर रही थी। मैं इस बारे में उनसे बात करके उन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता। आप कीजिएगा उनसे बात, समझती हैं आपकी बात। मैं और हमशा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। ऑफिस में काफी सख्त मशहूर होंगे, लेकिन इस ताल्लुक को निभाने के लिए अपनी नेचर के अगेंस्ट बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है मैंने। शायद इस वजह से भी कि अम्मी को कोई तकलीफ ना हो, रमशा ने जो कहा मैंने वो किया, और शायद यही मेरी गलती थी। तो मोहब्बत गलतियों के बगैर तो नामुकम्मल है ना। जहां गलतियां ना हो वो मोहब्बत थोड़ी होगी। हाँ, बस गलतियों को दरगुजर करना आना चाहिए। वरना वो बदगुमानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है और बीच में कुछ नहीं बचता। मेरे आपके रिश्ते को कोई जो भी नाम दे, रोहिणी, मैं मेरे दिल में आपका एहतराम एक दोस्त, एक अच्छे दोस्त के सिवा और कुछ नहीं। बस यही बात रमशा को समझती है, क्योंकि रमशा ये समझना चाहती ही नहीं थी। दुख तो इस बात का है कि उसने मुझ पर एतबार करना ही छोड़ दिया था। हमारा ताल्लुक खत्म होने की वजह एतबारी आप नहीं।